पाकिस्तान और अमेरिका का अफगान ग्रुप्स के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर, दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा का टेलीफोन पर राबता, अफगान मसले के सियासी हल पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ तजारत सरमाकारी बढ़ाने का ख्वाहां है, अफगान अम के लिए दे पाक अमेरिका शराकतदारी खुश आइंद होगी। वज़राए खारजा का अफगान अम अमल में बामकसद पेशरफ्त और तआवुन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में खाली से बचने के लिए पावर शेयरिंग की तजवीज़, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सैनिक खारजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग। बोले, हुई तो महाजरीन का दबाव ईरान पाकिस्तान पर पड़ेगा, अफगान सरहद फ्री फॉर ऑल पाक का ऑप्शन खत्म करेंगे। मुशीर कौमी सलामती मोईन यूसुफ ने कहा, अफगानिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, सूरत हाल काबू से बाहर है, अफगान हुकूमत अम चाहती है तो पाकिस्तान से ताल्लुक बेहतर बनाए। अतालवी कोस्ट गार्ड्स ने सैकड़ों महाजरीन को डूबने से बचा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक महाजरीन गैर कानूनी तौर पर बुहेरा रोम के रास्ते इटली में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। किश्ती में 572 महाजरीन सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हज का रुकने आजम वकूफ इरफात 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया, यकुम जिल हज 11 जुलाई और ईद उल अज़हा 20 जुलाई बरोस मंगल होगी। सऊदी वजारत हज ने आजमीन हज के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। आजमीन को मुकद्दस मकामात पर 7 जिल हज से खसूसी बसों पर ले जाया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने हजाज कराम के लिए हज स्मार्ट कार्ड भी जारी कर दिया। पाकिस्तान में चांद की रोयत का फैसला करने के लिए इजलास आज होगा। लॉस एंजलिस के मेयर भारत में अमरीकी सफीर मुकर्रर, सदर जो बाइडन ने ग्रेस्टी की बतौर सफीर नामजदगी की तौसीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रेस्टी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। चीनी सफीर का दौरा GHQ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा, सिफारती ताबून में वसत का अजम किया। आर्मी चीफ का कोरोना के दौरान ताबून पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ से GHQ में कतर के नुमाइंदा खसूसी मतलक बिन माजिद की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफगान अमन के लिए कतर की काबिशों को सराहा और कहा, उम्मीद है कतर खित्ते में अम के लिए ताबून जारी रखेगा। शहर काटने वाला आजाद कश्मीर को भी काटना चाहता है। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में जलसों से खिताब, कहती हैं, इमरान खान कश्मीर फरोश है जिसने कश्मीर भारत की झोली में डाल दिया। एक नारा लगाना चाहती हूं, बच्चा बच्चा कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। न्याजी कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, ये वायरस मकबूजा कश्मीर खा गया। बर्बादी, तबाही, नाअहली, सिलेक्शन का सूरज पाकिस्तान में गुरूब हो रहा है। कश्मीर बेचने के बदले पैसा मिला जो वोट खरीद रहे हो। इमरान खान और बुज़दार को भगाने वाले आज कंफ्यूज हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान हर इशू पर यू टर्न लेता है। नून लीग का तो अपना ही बयानिया है, उनसे पूछें आजकल किसका बयानिया चल रहा है, बड़े मियां का या छोटे मियां का। हम मोदी की जीत की दुआ करते हैं, ना मोदी को दावत देते हैं। सुना है इमरान खान का कोई गंदा वजीर यहाँ वोट खरीद रहा था। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर तफले मकतब हैं। वजीर इतलाफ फवाद चौधरी का कहना है, उन्हें कश्मीर की तारीख और कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद का कुछ पता ही नहीं। उनके वालिदैन अरबों रुपए लूटने के मुकदमात में मुलविस हैं। उनकी सियासत का ना कोई नजरिया है और ना ही कोई मकसद। ये अपने दौरे हुकूमत में तो कुलभूषण का नाम लेते हुए भी डरते थे। जिनका पैसा बाहर हो वो कैसे पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत करेंगे।
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया है। वज़ीर आज़म वज़रा को कानून पर अमल करने का पाबंद बनाएं, कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका उम्मीदवार को नया अहल कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज दौरे अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी एक हफ्ता अमेरिका में क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे और कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर केस, पांचवा मुलजिम भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद की अदालत ने तीन मुलजिमान को चार रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलजिमान के खिलाफ मजीद दफात शामिल करने और मफरूल मुलजिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट पर डालने का फैसला। मुलजिम के मोबाइल फोन से खवातीन को हेरने की मजीद सात वीडियोज बरामद हुई हैं। उधर वजीर आजम से आई जी इस्लामाबाद की मुलाकात, केस से मुतल्लिक आगाह किया। भारत में फैलाने वाला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान पहुंच गया। एनसीओसी का कहना है एहतियात ना करने पर चौथी लहर आ सकती है। एसओपीज पर अमल दरामद और वैक्सीन लगवाने पर जोर। ईद पर नकल हरकत महदूद रखने, सियाहत पर पाबंदी का इम्कान। 31 अगस्त तक 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शहरी के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर करने पर पाबंदी होगी। कौमी क्रिकेट टीम को आज भी इंग्लिश टीम का कड़ा इम्तिहान दरपेश। बाबर 11 लॉर्ड्स के मैदान में बेन स्टोक्स 11 का सामना करेगी। इंग्लिश टीम को तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी मैच जीत कर सीरीज बराबर करने के लिए पुर उम्मीद। ईद कुर्बान की आमद से कबल मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। खरीदारों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। हर किसी को खूबसूरत मगर सस्ते जानवर की तलाश है। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा, व्यापारी अखराजात से परेशान हैं। जानवरों को सजाने के सामान का कारोबार भी चमक उठा है। और लफ्जों में जमाने की हकीकी तस्वीर पेश करने वाले बेमिसाल अदब के खालिक की 15वीं बरसती। बाकमाल शायर, लाजवाब अफसाना निगार और मुनफरिद कॉलम निगार अहमद नदीम कासिम को बिछड़े 15 बरस बीत गए। उनका कलाम आज भी जुबान-ए-ज़द-ए-आम है।